दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इस बार का WTC फाइनल जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 234 रन से इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट मुकाबला जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने WTC की पॉइंट टेबल में भूचाल ही ला दिया है। और इस बार भारतीय क्रिकेट टीम को इतनी बढ़त मिली है और इंग्लैंड की टीम इतना नीचे गिर गई है कि सभी टीमें तंग रह गई है। आखिरकार 2025 के लिए होने वाले इस WTC की पॉइंट टेबल में बाकी टीमें कहां पीछे रह गई हैं? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्या आंकड़े हैं और क्या भारत अभी से फाइनल में पहुंच चुकी है? आपको सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, अगर इस बार भी WTC का फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ तो उसे कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब पूरी तरीके से भारत की गिरफ्त में है। अब तक इस सीरीज में हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही मुकाबले में पूरी तरीके से पिटी थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच को तो हमने जीता ही और तीसरे मैच में कुछ ऐसा प्रदर्शन रहा कि पूरी दुनिया इस समय दंग है और पहले से ही WTC के फाइनल की राहें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बिछा चुकी है। आपको बताएं दोस्तों, सीरीज के इस तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में केवल जीतने के मकसद से ही उतरी थी। भले ही हमारे अर्ली विकेट पहली इनिंग में हुए, लेकिन रोहित शर्मा का बल्लेबाजी का फैसला गलत नहीं, ये उन्होंने खुद साबित किया 196 गेंदों में 131 रन लगाकर। उधर जडेजा भी 112 रन की पारी खेलकर गए और दहाड़ते हुए सरफराज खान ने 65 रन जब लगाए ना तो भारत का स्कोर उछलकर 445 तक पहुंच गया, जिसके जवाब में हमने अंग्रेजों को 319 पर निपटा दिया। और दोस्तों जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने की बात आई ना तो असली तड़का तो मुकाबले में तभी लगा। 236 गेंदों के अंदर 214 रन 201 ही खिलाड़ी ने बना दिए थे, वो थे यशस्वी जायसवाल। 14 चौके और 12 छक्के देखकर हर कोई इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि दोस्तों भारत को जीतने से तो अब कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट इस दूसरी इनिंग में भी दोस्तों सरफराज खान ने 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये दोनों खिलाड़ी नाबाद गए, 430 के स्कोर तक भारत को ले गए और पिछली बढ़त के चलते हमने इंग्लैंड को टारगेट दिया 557 रन का, जिसे चेस करने की बात तो आप भूल ही जाइए क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से किसी खिलाड़ी ने 30 से ऊपर की पारी नहीं खेली, केवल मार्कवुड को छोड़कर, और उनका विकेट अंतिम बॉलों में जडेजा ले गए और पूरे 5 विकेट अपने नाम कर हमने 122 पर इंग्लैंड की टीम को ढेर कर मैच को 434 रन के अंतर से जीत लिया है। अब दोस्तों अंतर इतना ज्यादा बड़ा है तो उतना ही ज्यादा अंतर WTC की पॉइंट टेबल में भी तो आएगा। आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम उछलकर कहां पहुंच गई है, कितने अंक हैं अब हमारे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों WTC की पॉइंट टेबल की बात करें तो इसमें कुल 9 टीमें शामिल हैं और सबसे नीचे 9वें पायदान पर श्रीलंका की टीम है। देखिए श्रीलंका ने अब तक 2 मैच खेले और दोनों ही हार गए हैं, कोई अंक नहीं, कोई परसेंटेज नहीं बनता इनका आगे जाने का। 8वें नंबर पर गिरकर अब 6ठे से सीधा इंग्लैंड की टीम आ पहुंची है। इतनी बुरी हार जो मिली है, ये दोस्तों अपने 8 मैच खेल चुके हैं WTC के साइकिल के हिसाब से, 3 मैच जीते हैं, 4 गवा दिए और 1 ड्रॉ होने के चलते इनके पास 21 अंक और 21% चांस बना है बस आगे पहुंचने का। 7वें नंबर पर अफ्रीकी टीम है जिसने 4 में से अपना 1 मैच जीता है और 3 गवाए हैं, फिर भी 12 अंक और 25% के साथ इंग्लैंड से तो ऊपर ही है। 6ठे नंबर पर दोस्तों वेस्टइंडीज है जो 4 में से 1 मैच जीती है, 2 मैच ये हार चुकी है और दोस्तों 1 मैच इनका ड्रॉ रहा जिसके चलते 16 अंक और 33% चांस है इनके। 5वें नंबर पर पड़ोसी या दुश्मन मुल्क कहिए पाकिस्तान आता है जो 5 में से 2 मैच जीत चुका है, 3 हार चुका है, 1 भी मैच ड्रॉ नहीं, लेकिन 22 अंक और 36% चांस इनके पास है। 4थे नंबर पर दोस्तों बांग्लादेशी है जो 2 में से अपना 1 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं और 12 अंक और 50% चांस के साथ ये अभी भी बने हुए हैं 4थे नंबर पर। 3रे नंबर पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने 10 में से 6 मैच जीत रखे हैं, ये केवल 3 ही हारे हैं और 1 ही मैच ड्रॉ हुआ है जिसके चलते इनके पास पूरे 66 अंक भी हैं और 55% चांस आगे पहुंचने का। और दूसरे नंबर पर इनके सर पर चढ़कर नाच रही है फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम जो 7 में से अपने 4 मैच जीत गई है, 2 ही हारी है और 1 मैच ड्रॉ होने के चलते हमारे पास पूरे 50 अंक हैं और 59% चांस आगे पहुंचने का। नंबर 1 पर न्यूजीलैंड की टीम है जो 4 में से 3 मैच जीती है, 1 हारी है, 36 अंक और 75% चांस इनके आगे पहुंचने के हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ही दिनों में नंबर 1 बन जाएगी सीरीज को जीतकर, लेकिन आप सभी का क्या मानना है, अगर फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ तो उसे कौन जीतेगा, नीचे कमेंट कर उस टीम का नाम बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।